तो सभी को एक बार फिर से नमस्कार और प्रणाम। दोस्तों, इससे ठीक पिछली वीडियो में आपने मेरे साथ यात्रा की थी रानीखेत से लोध घाटी तक। वो वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लंबी होने के चलते मुझे उस यात्रा को वहीं पर समाप्त करना पड़ा था। आज वहीं से अपनी उस अधूरी यात्रा को मैं पूरा करूँगा जहाँ से मैंने वो यात्रा यहाँ पर छोड़ी थी। चलिए शुरू करते हैं उस यात्रा को दोबारा इस खूबसूरत लोध घाटी से बागेश्वर तक। तो आप लोग सब बने रहिएगा मेरे वीडियो के साथ और एंजॉय करिएगा इस यात्रा को। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर इतने सारे स्टेशन हैं, छोटे छोटे गांव हैं, इतनी दुकानें हैं, मैं बता ही नहीं पाता हूँ कि ये है क्या। कुछ कुछ जगहों को छोड़ दो तो पता नहीं कौन सा है ये, कोई दोनीगाड़ है, कोई ब्याला है, कोई खाड़ी है, बहुत से अलग अलग हैं जगहों के नाम। गेहूँ की मड़ाई चल रही है, किसान लोग गेहूँ की मड़ाई कर रहे हैं। ये देखिए थ्रेशर, आजकल पहाड़ों में थ्रेशर का कल्चर शुरू हो चुका है कुछ समय से। ये देखिए पहाड़ों में भी थ्रेशर चलने लगा है, पहले नहीं चलता था, पहले खुद ही मानते थे। ये देखिए फटाफट, ये देखिए ये सबके हैं या एक का है ये पता नहीं, अभी मुझे भी पूछना पड़ेगा। ये देखिए, क्योंकि यहाँ पे खेती बहुत अच्छी होती है, पूरा खेती वाला इलाका है ये, लेकिन ये एक के हैं या सबके हैं ये मैं पूछता हूँ। ये जगह है सलौंज, है ये सलौंज। क्या नाम हुआ? अच्छा, ये थ्रेशर आप ही का है? तो क्या है ये, इसमें हिसाब किताब जो लोग कर रहे हैं? ये अलग अलग लोगों के हैं गेहूँ। अच्छा, मान रहे तो क्या हिसाब किताब है? चार्ज चार्ज रहते हैं, ऑल ले रहे 30 रुपये, हम लेते हैं 25 रुपये लोकल में। क्या मतलब घंटा? पर मिनट 25 रुपये। तो कितना निकल आता है पर मिनट में? निकलता है आधा घंटा बस। क्यों, सुखा के लाते नहीं है? अच्छा, सुखा के लाते हैं, क्यों जल्दी निकलेगा? जल्दी सुखाते नहीं है। अच्छा, ये बात है। ठीक बारिश आ जा रही है। तो चलिए बता रहे हैं, ये इनका थ्रेशर है, ये 25 रुपया मिनट लेते हैं, मतलब एक मिनट में जितना आ जाए वो किसान का। ये भी एक वो है। तो ये मैंने नई परंपरा देखी है भैया, कि थ्रेशर लगा हुआ है और 25 रुपया मिनट, ये बहुत ज़्यादा नहीं है? आप कमेंट करके बताइएगा आप लोग कि 25 रुपया मिनट गेहूँ की मड़ाई बहुत ज़्यादा है या नहीं है। बस तो मुझे बड़ा ज़्यादा लग रहा है यार, ये 10 रुपये मिनट होना चाहिए, कम से कम 10 रुपये, तो 10 रुपये मिनट होना चाहिए, क्योंकि थल साइड में देख रहा था तो 10 रुपये मिनट था करीब। तो हालांकि फिलहाल इलाका बहुत अच्छा है, इलाका बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। तो 25 रुपये घंटा तो बहुत हुआ यार, बहुत हुआ। क्या मिलेगा किसान को यार 25 रुपये मिनट में, तो बहुत ही ज़्यादा हो गया। यह है ब्याला खाल है ये, लेकिन अभी मंडी पूरी सुनसान है भैया। देखो सब दुकानों के शटर गिरे हुए हैं, क्योंकि मैंने बताया ना, कुछ लोग अपने काम में लगे होंगे, कुछ लोग खाना खा के आराम कर रहे होंगे, कुछ लोग चुलबानी में लगे होंगे, कुछ लोग बेचारे जिद घड़ी आराम कर रहे होंगे। बस ढाई सवा बजा है, 2:15 बजा है, 3 बजे से आना शुरू हो जाएंगे। तो यह है, हम अब जा रहे हैं अपने घर को या आएंगे खेतों को।
ये मेरे ख्याल से खाड़ी होना चाहिए। हाँ खाड़ी है ये, थोड़ा बहुत तो पहचानता ही हो यार, इतना भी नहीं अनजान हूँ, थोड़ा बहुत भी पहचानता हूँ। स्वर्ग से सुंदर है इलाका हमारा, स्वर्ग से सुंदर जी। और आज थोड़ा सा मौसम भी बादल वाला हो गया है थोड़ा सा, तो थोड़ा सा अब मज़ा आ रहा है। अभी तक तो बहुत तेज़ धूप लग रही थी, अब मज़ा आ रहा है ड्राइव करने में। वाह बिल्कुल मक्खन भाग रही है इस रोड में गाड़ी। तो जी सोमेश्वर आने वाला है यहाँ से, अब बहुत खूबसूरत सोमेश्वर घाटी आने वाली है, हमारा इलाका आने वाला है, बहुत खूबसूरत घाटी है जी हमारी ये, इसीलिए थोड़ी कहा जाता है इसको गोल्डन वैली ऑफ उत्तराखंड। आज मुझे पहली बार पता लगा ना मैं भी बोलने वाला बनता हूँ, मुझे पता नहीं था सच्ची ईमानदारी से, मुझे मालूम नहीं था कि इस एरिया को किसी अंग्रेज ने गोल्डन वैली ऑफ उत्तराखंड कहा गया है, कहा है। देखिए सुंदर सोमेश्वर, सोमेश्वर की बाजार आ चुकी है, माय फेवरेट, माय ऑल टाइम फेवरेट, माय होम एरिया इज सोमेश्वर। वाह जय हो सोमनाथ की इस धरती को मेरा नमन प्रणाम, आ गया हूँ मैं सोमेश्वर। बहुत सुंदर जगह है, बहुत ही सुंदर जगह है, बाजार तो अभी सुनसान ही होगा ये पक्की बात ठहरी, बाजार में अभी कुछ खास नहीं है क्योंकि दिन का समय है। चलो कुछ मैंने खरीदारी करनी है, थोड़ा घर के लिए कुछ सामान वामान लेता हूँ, जरूरी सामान चाय दूध और भी कुछ चीज़ें, उसके बाद कचो रहा सोमेश्वर पहुँच गया हूँ मैं। अब थोड़ा सा अपना ज़रूरी घर का कुछ सामान वामान लेता हूँ, तो थोड़ा खरीदारी वगैरह करता हूँ फिर बढ़ता हूँ आगे। यह है चौराहा सोमेश्वर का, और मुझे घर का कुछ सामान लेना है, उसके बाद और भाई सीधे गोली घर, मौसम भी हो रहा ख़राब। तो चल दिया हूँ मैं, अब ये गिरिछना रोड है, यहाँ से सोमेश्वर से गिरिछना ये वाला रोड है, इसमें कई बार आपने देखी होगी मेरी वीडियो यहाँ से आते हुए। ये पुल है सोमेश्वर का, ऐतिहासिक पुल है, पुराना पुल है और कई गाँव को जोड़ता था ये पुल। आज तो जगह जगह इधर उधर सड़कों का जाल फैल चुका है। ये देखिए सोमेश्वर वैली का एक दृश्य यहाँ से भी देखिए, कितना बेहतरीन लग रहा है। ये ग्राउंड है यहाँ का, इसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था सोमेश्वर वैली, फिर बता देता हूँ। एक बड़ा ग्राउंड है ये, और बाहर के स्टेट्स तक की और डिस्ट्रिक्ट तक की टीमें यहाँ पर आती हैं, दिल्ली मेरठ नोएडा से तक यहाँ पे टीमें आती हैं क्रिकेट खेलने के लिए। तो चलो फिलहाल अभी इतना चर्चा का टाइम नहीं है, मौसम हो रहा है ऊपर ख़राब और मुझे निकलना है आगे बागेश्वर तक, इसलिए मैं ज़्यादा देर नहीं करता। ये देखिए लोग अपना अपनी फसल समेटने की जल्दी में है, फटाफट फटाफट समेट रहे हैं क्योंकि ऊपर बारिश आने वाली है। ये भी एक बड़ी चुनौती का काम है बारिश से बचाना, साल भर 6 महीना बारिश से जंगली जानवरों से नुकसान से बचाओ, उसके बाद फिर बारिश से, तो ये बड़ी दिक्कत है। तो मैं चल रहा हूँ अब इस बर्रो घाटी में, और इसको बर्रो घाटी कहा जाता है, बर्रो मतलब बोरारो, बोरारो घाटी है ये, बोरारो
तो इसको वैसे आप ब्रांच में बोरारो कह देते हैं, बर्रो कह देते हैं, इसको बोरारो कहा जाता है। ये है देखिए यहाँ की वैली, खूबसूरत वैली यहाँ की, क्या बात है, बहुत सुंदर। इस इलाके में जो धान होता है ना इन खेतों में, जिस वक्त धान की रोपाई होती है उस वक्त तो देखने लायक होता है, देखने लायक होता है। लेकिन ये वीडियो आज के मुझे लग रहा है 55 मिनट से ऊपर जाने वाली है, 55 मिनट से ऊपर। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, जाए तो जाए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मेरे व्यूज़ आए, मेरे व्यूज़ ना आए, मुझे पूरा का पूरा व्यू आपको दिखाना है तो मैं दिखाऊंगा। ये आ गया रशारा गांव। ये पूरा इलाका जो है अपनी उपजाऊ खेती के लिए जाना जाता है। देखिए आप सड़कों के किनारे ये जो अनाज के, जो गेहूं के आपको ढेर नज़र आ रहे होंगे ना, इससे आपको पता लग रहा होगा। तो ये ढूमर गांव है, मंसारी नाला चौड़ा। तो बज गया है करीब 3 और मौसम हो गया है गड़बड़, मौसम गड़बड़ हो गया है, बारिश आ सकती है ऊपर से, तो इसलिए मुझे फटाफट जल्दी जल्दी पहुंचना चाहिए आगे को, अपनी मंजिल को। तो मौसम थोड़ा सा सुहाना हो गया है, बादल लगे हैं, लेकिन बादल लगने के बीच में भी ये एरिया इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, इतना खूबसूरत लग रहा है कि इसकी कोई हद नहीं। वाह, ये देखिए पूरा ये मंसारी नाला क्षेत्र है, इसको पूरा मंसारी नाला कहते हैं, क्योंकि इसके बीच में जो है बीचों बीच में मनसा नदी बहती है, तो मंसारी नाला इसको कहा जाता है। और बहुत उपजाऊ है, मनसा नदी के किनारे जो खेत हैं, जो ज़मीन है, वो बहुत काफ़ी उपजाऊ है। धान गेहूँ तो होता ही होता है, उसके अलावा दालें और उसके अलावा आलू बहुत फेमस है यहाँ का, आलू गडेरी। तो अब आ गया है ये डिगरा, शायद डिगरा, बहुत सुंदर, मतलब जितने तारीफ करूं उतने कम है इस इलाके की, जिस पूरे रास्ते से मैं सफर करते हुए आया हूँ। ये डिगरा का छोटा सा बाजार है, बाजार क्या है, स्टेशन मानो, दो चार दुकान है डिगरा में। अब इसके आगे जो है वो चौरा है, चौरा चौरा नहीं चौड़ा, और इसके सामने जो है चौरा गोलू मंदिर है, आपको दिख रहा होगा, मैंने पहले भी कई दिखा बार दिखा रखा है। तो ये चौरा गोलू मंदिर का गेट है, यहाँ शायद कोई बारात आई है आज, तो इतनी सारी गाड़ियाँ सड़क में खड़ी हैं। सब एक साथ ही है तो अंदाजा आता ही नहीं है मुझको, तो यार अभी डिगरा चल रहा था, अभी चौड़ा चल रहा था, अभी भैंसड़ गांव फल्याटी चलने लग गया। ये फल्याटी है, ये जो गांव आपको दिख रहा है रोड के बगल में, ये फल्याटी है। एक फल्याटी बागेश्वर जिले में है, हमारे उससे बिजोरी के पास, उसको वो भी फल्याटी ही है, वो फयाटी है, ये फल्याटी है, शायद दोनों एक साथ है, एक एक से नाम है, मतलब वो फयाटी है, ये फल्याटी है। और भाई क्या हाल है, ये लो, और भाई, तो ये आया जी जिसका मुझे इंतजार था, खड़केश्वर महादेव। तो ये नीचे आपको नीचे साइड आपको जो दिखाई दे रहा है, ये है खड़केश्वर महादेव, एक प्राचीन मंदिर है ये, पर 500 साल पुराना, बल्कि 600 साल पुराना है।
खड़केश्वर महादेव इसको कहते हैं और जगह का नाम भी खड़केश्वर है। तो शाम के समय ये एरिया तो बहुत ही धुला हुआ लगता है, खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत लगता है। वाह जी, तो ये आ गया जी नाकोट, हमारा नाकोट, नाकोट बहुत सुंदर गांव है जी। ये देखिए लोगों ने गेहूं को मान करके सड़कों के किनारे ढेर लगा रखे हैं, अब इनको शाम को घर ले जाएंगे। मुझे लगता है गेहूं मान दिया है क्योंकि देखो भूसा जो दिख रहा है इसका प्रमाण है। फटाफट फटाफट मान दिया होगा क्योंकि मौसम हो रहा है खराब, मौसम गड़बड़ हो रहा है। एक और खूबसूरत गांव भूलगांव आ चुका है, अब तो एक से एक बढ़िया गांव और मिलेंगे आगे, लेकिन उसके आगे रोड बड़ी कच्ची है, फिर आगे बड़ा मुश्किल होगा कैमरा होल्ड करना मेरे लिए। तो फिलहाल भूलगांव तक मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये आ गया जी भूलगांव खरकवाल गांव, एक ही है वैसे, भूलगांव खरकवाल गांव एक ही है। तो यहाँ का मैंने होली में वीडियो बनाया था, तो उसकी खास बात ये थी कि इस गांव में होलियाँ नहीं होती हैं। तो एक अनोखी चीज़ मुझे नज़र आई तो मैं आ गया था इस गांव में, होली से ठीक पहले मैंने इस गांव का वीडियो बनाया था। तो आपने देखा होगा मैंने इनसेट में लगा दिया है उसका पोस्टर, आप चाहके चाहो तो देख सकते हैं जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, तो देख सकते हैं आप लोग जो जो मेरे चैनल पर नए हैं। तो इनसेट में आपको दिख रहा होगा ये पोस्टर जो है कि इस गांव में होली नहीं होती करके, तो वो अच्छा रिस्पांस मिला था उस वीडियो को। कुछ कारण थे जो कि इस गांव में वो होली का त्यौहार नहीं मनाया जाता, तो वो आप देख सकते हैं। तो अब मैं बढ़ता हूँ आगे। अब देखिए रोड की हालत बड़ी बुरी हो गई है, ओह माय गॉड, ये देखिए, पता नहीं यार वहाँ तक इतनी अच्छी है, यहाँ तक फिर पता नहीं क्या हो जाता है, क्यों नहीं बन रही है, क्यों नहीं बन रही है भाई, आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके हल्ला उल्ला बचाओ तो है। इतना महत्वपूर्ण मार्ग है ये बागेश्वर से सोमेश्वर को जोड़ने वाला, उसके बावजूद ये मार्ग इतना बदहाल, एक टुकड़ा नहीं है ये, गिरेचिनत से थोड़ा और आगे तक है, ये बहुत बुरा हाल है इसमें। तो इसमें बड़े बड़े कैबिनेट मंत्री संतरी सब गुजरते हैं इस मार्ग से। देखिए धूल धक्कर से क्या हाल है रोड का, लेकिन दुकानदारों को भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, बैठे हैं ताश खेल रहे हैं, धूल उड़ रही है तो उड़ रही है साली, पानी डाल देंगे थोड़ा सा, लेकिन आवाज़ कोई नहीं उठाएगा। आवाज़ उठाने में सबको पता नहीं क्यों इतना संकोच होता है, मुझे समझ नहीं आई बात, आवाज़ उठाने में इतना दिक्कत क्यों होती है। अब बताइए क्या ये रोड नहीं बन सकती थी, या कोई और इसमें कोई विभागीय अड़चन है, या कोई और दिक्कत है, लेकिन पता नहीं क्या है, मनचाही नहीं है ना बनाने की। ओह माय गॉड, अब ये पूरा ग्रेचना से आगे तक ऐसी जा रही है। अब तो मैं बोलते बोलते भी थक गया हूँ क्योंकि काफ़ी लंबी जर्नी हो गई है, फिर भी आप देखें इस वीडियो को, इस रोड की हालत को देखें और आप खुद तय करें कि क्या ये रोड इतनी, या इस यहाँ की कंडीशन इतनी बुरी है कि रोड बन नहीं सकती है, लेकिन ये ऐसे ही है, ऐसे ही बदहाल इसको छोड़ दिया गया है। चलो थोड़ा पानी पीते हैं, पानी भरते हैं, प्यास लग गई है, ठंडा पानी पीते हैं आगे नौले का, धारे का, सॉरी धारा है आगे एक, इसका पानी पीते हैं। तो ये आया जी इस इलाके का एक बेहतरीन खूबसूरत पर्यटक स्थल, या हिल स्टेशन कह सकते हैं, डेवलपिंग हिल स्टेशन, और धीरे धीरे डेवलप हो रहा है ये एक टूरिस्ट प्लेस के रूप में गिरेचिना। तो मैं कई पहले वीडियो में दिखा चुका हूँ आपको गिरेचिना, लेकिन अभी चलते चलते, कल चलते चलते ही दिखा पाऊँगा, रुकूंगा नहीं यहाँ, ज़्यादा समय मेरे पास रुकने का फिलहाल नहीं है। लेकिन आप देख सकते हैं ये देखिए क्या मौसम है यहाँ, तो दूर नीचे घाटी में आपको बागेश्वर नगर एक साइड से दिख रहा होगा अगर आप देख पाए तो।
ये देखिए बागेश्वर वाली, उसके पार बागेश्वर ही है समझ लो। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, अभी भी सफर पूरा हुआ नहीं है, सफर अभी और है, ये सफर अभी और है मेरा। तो ये इस मार्ग पर पड़ने वाला एक गांव है गड़िया। जितना जितना शाम ढलती जा रही है उतना उतना मौसम और बेहतरीन खूबसूरत सुहाना होता जा रहा है, और उतना ही नज़ारे और ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। देखिए करीब 3:30 हो गया है, तो थोड़ा बादल भी लगे हैं, लेकिन अच्छा लग रहा है, सफ़र करने में मज़ा आ रहा है। बस यहाँ से अभी 16 किलोमीटर करीब और रह गया है बागेश्वर, 16 किलोमीटर। तो आज की ये वीडियो मेरी कम से कम 55 मिनट की जाएगी, तो थोड़ा सा आप लोग देखिएगा इसको, और वैसे तो आप लंबी वीडियोस देखते ही हैं। वीडियो तो आप लंबी मेरी सभी देखते हैं, लेकिन ये ट्रैवल वाली वीडियो थोड़ा सा लंबी हो जाएगी, क्योंकि रानीखेत से बागेश्वर का सफ़र बहुत लंबा है वैसे। ये देखिए क्या बात है, नज़ारे अलमस्त नज़ारे, वाह बहुत खूबसूरत। अब मुझे पता है ये वीडियो लंबी हो रही है, फिर भी मैं अपने आप को रोक पा नहीं रहा हूँ इन नज़ारों को कैप्चर करने से। चलिए कोई बात नहीं, चलेगा चलेगा चलेगा, कितना चलेगा, मुझे कोई लालच नहीं है कि मैं 55 मिनट की वीडियो अगर डाल रहा हूँ तो लोग उसको नहीं देखेंगे लंबी समझ के, तो मुझे कोई चीज़ का वो नहीं है। लेकिन जो देखेंगे, सेलेक्टेड लोग देखेंगे, उनके लिए बहुत कुछ है उसमें। तो चलिए हम अपना सफर जारी रखते हैं, अब आपसे मुलाकात होगी डोबा गांव में। ये आया जी डोबा गांव। इस मार्ग का एक बड़ा गांव है, तो इस इलाके का एक बड़ा गांव है डोबा। लेकिन नज़ारे अच्छा गांव है, काफ़ी सुंदर गांव है। ये आ गया धारी, काफ़ी बड़ा गांव है धारी भी, टंगड़िया लोगों का, ये पूरा इलाका ही टंगड़िया लोगों का है वैसे। तो धारी गांव इसलिए कहा गया क्योंकि ये गांव धार में बसा है। धार में मतलब एक धार उसे कहा जाता है, पहाड़ी का एक तिरछा हिस्सा जो होता है उसे धार कहा जाता है। तो धार में बसा होने के कारण इसको धारी नाम दिया गया। और जितने भी हमारे पहाड़ में धारी नाम के गाँव हैं वो इन्हीं नामों से प्रेरित है, इसी चीज़ से प्रेरित है। ये देखिए ऊपर धार में बसा है ना गांव, बाकी नीचे तो स्टेशन है, बाकी दुकानें हैं, बाकी कुछ घर हैं, बाकी मेन जो गांव है जो ऊपर धार में ही है। इस कोने से लेकर के यहाँ तक बसा है गांव धारी। ये देखिए शाम का वक्त है, लोग खेतों में जाने लगे हैं काम में, कोई गेहूँ लेने जा रहा होगा, कोई घास लेने जा रहा होगा, कोई कुछ लेने जा रहा होगा।
तो यही है दिनचर्या। टाइम हो गया है 4 बज गए हैं, तो लोगों की हो गया है शुरू शाम की दिनचर्या। अभी 6, 6:30, 7 बजे तक अंधेरा होने तक आएंगे वापस। ये आ गया जी अब इस इलाके का एक बड़ा जंक्शन पॉइंट जिसको बिजोरी कहते हैं। बिजोरी यहाँ से एक रोड चली जाती है चौमी कोराली को, चौमी कोराली से आगे और भी गांव है वहाँ को ये चली जाएगी और ये चली जाएगी बागेश्वर को। ये देखिए ये डाइवर्ट पॉइंट है, रुको रुको पानी है आ गया यार, जाएगी इससे मैं चल रहा हूँ अभी बागेश्वर को। मात्र 6-7 किलोमीटर अभी और रह गया यहाँ से बागेश्वर, बस उसके बाद इस वीडियो को किया जाएगा बंद। अमसरकोट कहते हैं इसे, और काफ़ी उपजाऊ है यहाँ की ज़मीन क्योंकि मैंने यहाँ पर बहुत खेती होते हुए देखी है। देखिए अभी भी गेहूँ कटने के बाद खेत कितने अच्छे खूबसूरत लग रहे हैं और बढ़िया खेत को जोत जोत के बढ़िया करके खाद डाल रखी है ताकि अब ये फिर धान की तैयारी करेंगे, शायद धान बो दिए होंगे, तैयारी क्या करेंगे धान बो दिए होंगे इसमें। ये स्टेशन है अमसरकोट का छोटा सा, 2-4 दुकानों का। ये मंदिर है हनुमान मंदिर, आ गया है बागेश्वर। क्या बात है, एकदम से मोड़ से एकदम बागेश्वर की झलक मिली, मन बाग बाग हो गया, बागेश्वर को देख के मन बाग बाग हो गया, अपना बागेश्वर आ गया भाई, बहुत सुंदर। तो ये जो मैं इस इलाके में जो चल रहा हूँ ये है नदी गांव का एरिया, नदी गांव है ये। और ये बागेश्वर जिले में, बागेश्वर शहर में ही अंतर तक, बागेश्वर शहर के अंदर ही आता है ये गांव, नदी गांव, क्योंकि नदी के किनारे बसा है इसलिए नदी गांव नाम है इसका। चलो मेरा भी बागेश्वर में थोड़ा काम है, मुझे लगता है बारिश हुई है थोड़ी देर पहले यहाँ पर, देखिए पानी सड़क में जो पानी दिख रहा है, लेकिन रास्ते में तो कहीं भी बारिश नहीं हुई। चलो मौसम अच्छा हो गया, मौसम सुहाना हो गया बारिश से। ये जो चला गया ऊपर जजीकोट को चला गया ये रोड, यहाँ से स्कूटी आ रही है। तो लो जी आ गया है बागेश्वर का गोमती पुल, ये तो फिर इस वीडियो को मैं करूंगा यहीं पे समाप्त। तो ये वो रोड है जहां से मैं अभी आया हूं, तो ये पॉइंट है, ये तिराहा है, ये गोमती पुल हो गया और ये रोड जाएगी अल्मोड़ा ताकुला को और ये रोड जाएगी बाया गिरिचना सोमेश्वर को चली जाएगी। तो ठीक है फिर ये इस वीडियो को मैं इसी पॉइंट पे समाप्त भी करता हूँ, ख़त्म करता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, ये लगभग 55 से 57 मिनट की वीडियो होगी। चलिए कोशिश करूँगा 55 के अंदर इसको रखने की मैं। तो चलिए आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये लंबा सफ़र आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताना और कमेंट करना। जो जो जिस जिस इलाके में से मैं गुजरा हूँ वहाँ वहाँ के लोग इस वीडियो को अगर देख रहे होंगे, कहीं से भी देख रहे हों, वो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना। तो चलिए तब तक के लिए अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी, नमस्कार।